नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इनेविटेबल ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, अभी ट्रेनिंग वेरिफिकेशन जिस तरीके से हो रहा है, कई बच्चों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। देखिए, प्रोसीजर तो बहुत सारे हैं, इसमें कई सारी चीज़ें एस्पेक्ट्स जो है वो समझाया गया है। ये मैनुअल है, जनरेट किया है DGT की तरफ से। तो उसमें क्या है कि सबसे पहली चीज़ है कि आप अपना अगर पहली बार स्किल इंडिया डिजिटल पर अगर पहली बार आप ITI ट्रेनिंग आ रहा है तो उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो आपका क्या होता था कि SCVT से डाटा जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता था NCVT पर। अब NCVT MIS पोर्टल में ना कर इस समय क्या हो रहा है कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सारा का सारा डाटा जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और वहीं पर ट्रांसफ़र जो हो रहा है उसमें बच्चों की जो ट्रेनिंग का वेरिफिकेशन है वो फर्स्ट टाइम इस बार हो रहा है। तो इसमें कई सारे केसेज हैं। पहला केस जो डिस्कस करता है वो ये करता है कि अगर आपके पास में आधार नहीं है तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको स्टेट अप्रूवल के लिए एक सेंड करना पड़ेगा उसको, ठीक है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने के लिए। एक इसी में दूसरा केस है, जब आप ये जनरेट नंबर जब आप सेंड कर देते हो, स्टेट से अप्रूवल आ जाता है, तब आपको कैसे जनरेट करना है वो एक प्रोसीजर है। दूसरा प्रोसीजर ये है कि आपके पास आधार नहीं है, ठीक है, और अगर आपका पेंडिंग है स्टेट अप्रूवल के लिए तो आधार EKYC आपको कैसे करनी है, तब आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे जनरेट होगा। और इसी में आगे है कि अप्रूवल होने के बाद में EKYC कंप्लीट करने के बाद में, और अगर EKYC आप करते हैं तो उसमें मिसमैच जो होता है, मान लीजिए अगर आपका आधार में नेम और डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए अगर के डिफरेंस है, तो उस मिसमैच के केस में हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस मैनुअल के माध्यम से समझाई गई हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि जो बच्चे एक तरीके से जिनके पास लिंक गया है और जिनका आधार जो है वो वही नंबर है जो उन्होंने उस समय दिया था अपने एडमिशन में जो नंबर दिया था, तो एक सिंपल सा तरीका है कि आपको कैसे उस प्रोसीजर को फॉलो करना है और परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो कैसे जनरेट करना है, ये एक प्रोसीजर हम आज बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो सभी बच्चों को ध्यान रखनी है वो ये करनी है कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि स्किल इंडिया डिजिटल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए और जो कंप्लीट फर्दर जो प्रोसीजर है एडमिशन प्रोसेस का, जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने का जो प्रोसेस है, उसमें एक क्या चीज़ करनी है कि आपको केवल और केवल जो आपके पास लिंक आया है उसके माध्यम से ही आना है। आप अलग से इसको नहीं करने की कोशिश करें, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो आपको केवल और केवल जो आपके पास लिंक आया होगा उसके थ्रू ही यहाँ पर पहुँचे। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ है कि आप लोगों के पास में इस तरीके से मैसेज आएगा, ठीक है, कि डियर ITI ट्रेनी, कंप्लीट योर ITI एडमिशन प्रोसेस, और आपको एक लिंक दिया होगा, ठीक है। तो अपने ही लिंक को, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अपने ही लिंक को आपको ओपन करना है, कोई दूसरा लिंक या अपने किसी दोस्त का या कलीग का आप लिंक ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आपका फ़ोन नंबर अटैच्ड है। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको SID यानी कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि वो पोर्टल आपका खुल जाएगा। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने पेज जो है वो खुल के आ जाएगा, ठीक है। लर्नर और पार्टिसिपेंट हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपका मोबाइल नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच हो जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली जब मोबाइल नंबर आ जाएगा तो यहाँ पर आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे। कंटिन्यू आप क्लिक करते हैं, अब ये आपको यहाँ पर जो है वो 4-डिजिट अकाउंट पासवर्ड आपको बनाने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर आपको 4-डिजिट का कोई सा भी अपना पासवर्ड सेट कर लेना है, और पासवर्ड सेट करने के बाद में आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। बच्चों, जब आप लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद में आपके सामने ये आधार नंबर आपका प्रोवाइड करना है। यहाँ आपको एक हिंट के तौर पर आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ से मैच कर सकते हैं कि आपका आधार नंबर जो है वो सेम है। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर यहाँ एंटर करेंगे, और आधार नंबर एंटर करने के बाद में आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पर कर देंगे। और यहाँ पर जब आप ये एग्री करते हैं के बाद में वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में आपके पास में OTP जाता है, OTP को वेरीफाई करना होगा आपको। OTP जो जनरेट आएगा, ठीक है, 6-डिजिट का OTP होगा। OTP आप यहाँ से वेरीफाई करिए बेटा। यहाँ पर जैसे ही आपका OTP वेरीफाई होता है तो ये पेज आपके सामने खुलकर आ जाता है, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो जनरेट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा।
तो बच्चों जैसे ही आप लोगों को PRN नंबर जनरेट हो जाता है, उसके बाद में आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप एक SMS और ईमेल के माध्यम से भी रिसीव हो जाएगी। SMS आप लोगों को इस प्रकार का आएगा कि डियर ITI ट्रेनी, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन कम्प्लीटिंग द एडमिशन प्रोसेस एट सो एंड सो इंस्टीट्यूट, जो भी आपका होगा, और परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो होगा वो आ जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से आपको मेल पर भी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर है, एक सिंपल प्रोसीजर है, जिस तरीके से आप लोगों को कैसे एक लिंक के माध्यम से अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करना है स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हैं जिसके बारे में हम लोगों ने शुरुआत में बात करी थी, चलिए उसको देखते हैं। तो बच्चों अभी हम लोगों ने बात करी उन बच्चों के बारे में जिनका के जो ट्रेनिंग रिकॉर्ड है वो स्टेट ने सबमिट किया स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर, जिनके पास में आधार नंबर था। अब हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिनको ट्रेनिंग रिकॉर्ड सबमिटेड किया स्टेट्स ने, ठीक है, स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर, और जिनके पास में आधार नंबर नहीं है, यानी कि बिना आधार नंबर के जिन बच्चों का अपडेट किया हुआ है, तो उनको कैसे अपना कन्फर्म करना है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहली चीज़ तो वही है कि आप लोगों को इसी तरीके से एक मेल जाएगा, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको एक प्री फिल्ड मोबाइल नंबर, ठीक है, जो आपने एडमिशन दिया था उसमें जो नंबर आपने फिल किया था वो उस तरीके से आपको मिलेगा। तो प्रोसीजर जो स्टार्टिंग का है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको स्टेप्स फॉलो करते हैं, जैसा कि आप लोगों को जिस तरीके से प्री फिल मिला था, फिर आपको OTP जनरेट करना है, ठीक है। OTP आप जब क्लिक डाल देंगे, OTP के बाद में आप लोगों को अकाउंट पासवर्ड जो है वो सेट करना है, और सेट करने के बाद में जैसे ही आप अकाउंट पासवर्ड सेट कर देते हैं, वंस यू लॉग इन, एक लॉग इन प्रोसेस आपका जो कंप्लीट हो जाता है, तो आप स्किल इंडिया पोर्टल पर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गए हैं, ठीक है। ये है पहली बार जिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो जनरेट करना है। कैसे करना है चलिए बात कर लेते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपको एक आधार कन्फर्मेशन पॉपअप जो है वो सामने दिखाई देगा, जहाँ पर मैं दो ऑप्शन आपके पास होंगे, येस आई हैव आधार और आई डू नॉट हैव आधार, ठीक है। तो यहाँ जो कंडीशन है, जिन कंडीशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास में क्योंकि आधार नहीं है, ठीक है, जिनके पास आधार नहीं था उनको सबसे पहले स्टेट को एक अप्रूवल के लिए सेंड करना होगा कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर उनका जनरेट किया जाए। तो यहाँ पर आप जैसे ही आई डू नॉट हैव आधार पर क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रोफाइल डिटेल्स, ठीक है, अपनी दिखाई देंगी। प्रोफाइल डिटेल में आप अपनी डिटेल यहाँ पर जब चेक कर लेंगे, यहाँ पर एडिट डिटेल्स के ऑप्शन पर जाएंगे, एडिट डिटेल्स में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास में आधार नहीं था, या जिनका डाटा ट्रांसफ़र किया गया है वो बिना आधार नंबर के ट्रांसफ़र किया गया है स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर। तो जब आप एडिट डिटेल्स में जाते हैं तो यहाँ पर आपको एडिट करने का ऑप्शन आता है, अपनी प्रोफाइल को एडिट करने का ऑप्शन। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको एक ही चांस मिलता है अपनी प्रोफाइल को एडिट करने का, फोटो जो है वो मैंडेटरी है, और अगर आप और कोई प्रोफाइल अपनी डिटेल जो है वो चेंज करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं तो वहाँ पर दो फील्ड्स हैं, यानी कि दो चीज़ें आप अलाउ मतलब यहाँ पर दो चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। किन चीज़ों में से आप दो चीज़ चेंज कर सकते हैं, ट्रेनी नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और फादर नेम, इन चार में से आप दो ही चीज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो बेटा जब आप ये कर देंगे, प्रोफाइल डिटेल डाल देंगे, तो उसके बाद में आपको 10th क्लास का या SSC सर्टिफिकेट, यानी कि आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है एज अ प्रूफ, जो आपने डिटेल अपनी चेंज की है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ हो, जेंडर हो, फादर नेम हो या ट्रेनी नेम हो, इसमें से कोई भी दो चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है। तो इसमें कोई भी दो चीज़ आप चेंज कर लीजिए, और उसके प्रूफ के लिए आपको 10th क्लास का अपना सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जो आपका हो वो आपको अपलोड करना होगा। आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज दिस कन्फर्मेशन, आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर येस पर क्लिक करिए, ठीक। और येस पर क्लिक करने के बाद में आपकी स्टेट अप्रूवल के लिए जो एप्लीकेशन है वो आपकी सबमिट हो जाएगी, यानी कि आपकी स्टेट के लिए आपको PRN जनरेट करने के लिए स्टेट अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। बेटा जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है तो वहाँ आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो है वो इन प्रोग्रेस है, और अभी आपकी EKYC नहीं हुई है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि योर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेंड टू द स्टेट फॉर अप्रूवल, वंस स्टेट विल अप्रूव इट विल रिफ्लेक्ट हियर। कहने का मतलब ये है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टेट अप्रूवल के लिए अप्रूव कर दी गई है, और जैसे ही अप्रूव होगी आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर
दिखाने लगेगा, यहाँ पर शो करने लगेगा। तो बच्चों जैसे ही स्टेट के द्वारा ये अप्रूव हो जाती है, आपका PRN नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी लॉगिन ID यानी कि जो आपने पासवर्ड सेट किया है और आपका मोबाइल नंबर, इससे लॉगिन करने के बाद में आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका PRN नंबर जो है वो जनरेट हो गया है। आपको मैसेज भी आ जाएगा, मैसेज के माध्यम से भी आप ये चीज़ जान सकते हैं। तो बेटा ये जो प्रोसीजर था वो आपका कैसा प्रोसीजर था, जहाँ पर कि आपके पास में आधार नहीं है, आपने प्रोफाइल डिटेल्स को एडिट किया है और एडिट डिटेल करने के बाद में अपना प्रोफाइल फ़ोटो उसमें अपलोड किया है, प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करने के बाद में दो फील्ड्स आपने एडिट किए हैं, जो भी आप अपडेट करना चाहते थे आपने एडिट कर लिया, उसमें 10th का सर्टिफिकेट आपने अपलोड कर दिया, ठीक है, और उसके बाद आपका जो है स्टेट से अप्रूवल मिला। स्टेट से अप्रूवल मिलने के बाद में आपको PRN नंबर आपका जनरेट हो गया है। अब आपको एक दूसरा प्रोसीजर क्या है वो PRN नंबर जनरेट करने का, इस केस में आपके पास क्या है, एक दूसरा जो फ्लो है ITI एडमिशन का वो क्या है कि आपके पास में आधार नहीं है, ठीक है, स्टेट अप्रूवल आपका अभी नहीं हुआ है, पेंडिंग है, और आप आधार EKYC करते हैं और परमानेंट नंबर जनरेट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है। अब PRN नंबर आपका स्टेट से अप्रूवल नहीं मिला है लेकिन आपको EKYC करनी है, तो यहाँ से आप EKYC भी कर सकते हैं। जैसे ही आप EKYC पर क्लिक करते हैं आपको ऑप्शन आता है बाय बायोमेट्रिक और बाय OTP, तो इस पर बाय OTP से आप अपना EKYC करेंगे, जो आपका नंबर आधार से लिंक होगा उस पर OTP जाएगा। ये यहाँ पर आप अपना आधार डिटेल डालेंगे, अपना डिटेल डालने के बाद में आप यहाँ पर आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स पे जनरेट OTP करेंगे, वन टाइम पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे, वन टाइम पासवर्ड आप डाल देंगे, वेरीफाई करेंगे, और जैसे ही आपका E-Verify होता है, EKYC ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होता है, ठीक है, उसके बाद में आपका डेटा यानी कि जो आपकी डिटेल है वो आपके आधार से मैच अगर करती है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है और आपके आधार से अगर वो मैच करती है तो आपका PRN नंबर जो है वो जनरेट हो जाता है। तो ये एक दूसरा प्रोसीजर है, यानी कि हमने दो प्रोसीजर की बात करी है, आप इसमें समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपके पास में आधार नहीं है, आपने जो एडमिशन लिया, आपका जो डाटा ट्रांसफ़र किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्टेट से डाटा ट्रांसफ़र NCVT पे होता था, उसी तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन जो है स्किल इंडिया डिजिटल पर पहली बार जो रजिस्ट्रेशन किया गया है उसमें जो डाटा ट्रांसफ़र किया गया है उसमें आपकी आधार डिटेल नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है, प्रोफाइल एडिट पर जाकर और सबसे पहले आई डू नॉट हैव आधार में जाएंगे, उसके बाद प्रोफाइल एडिट करेंगे, प्रोफाइल एडिट में अपना प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद में आपकी 10th की मार्कशीट आप अपलोड करते हैं एज अ प्रूफ, जो भी डिटेल आपको चेंज करनी है वो चेंज करने के बाद आपको जब ये काम आपने कर लिया तो वहाँ पर आपका PRN नंबर स्टेट अप्रूवल के लिए देंगे, स्टेट से अप्रूवल जैसे ही होगा तो आपको PRN जनरेट हो जाएगा। PRN नंबर यानी कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है ITI में, एडमिशन आपका तभी मान्य होगा। दूसरी चीज़ अब आती है, पहली चीज़ तो ये हो गई, दूसरी चीज़ अब आ रही है कि अब हमने के स्टेट से अप्रूवल नहीं है हमारा, यानी कि केस वन क्या है कि जब हमारा स्टेट से अप्रूवल होगा और हमारा स्टेट से अप्रूवल के बाद में हमारा PRN नंबर जनरेट करेंगे, ठीक है, वो वहाँ से अप्रूवल पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि PRN हमारा अभी जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है, वो प्रोग्रेस में है, स्टेट से अप्रूवल नहीं है, लेकिन हम अपना जो EKYC है वो कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो EKYC आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी EKYC कंप्लीट हो जाती है आपके पास में मैसेज आ जाता है कि आपका PRN जो है वो जनरेट हो गया है। तो ये दो केसेस हैं। अब बच्चों देखिए, अब देखो बच्चों, ध्यान देने वाली बात ये है कि अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ रही है कि आपके पास में आधार नहीं है, आपने EKYC करी, ठीक है, EKYC आप जब करते हैं तो आपका जो आधार की डिटेल है वो आपके एडमिशन टाइम पर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था वहाँ से डेटा जो है वो मैच नहीं कर रहा है, यानी कि जो स्टेट अप्रूवल के लिए आपने भेजा था PRN जनरेशन के लिए और वहाँ पर EKYC यानी कि आधार का डेटा और आपके अप्रूवल का यानी कि जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म का डेटा है वो मैच नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या करना है अब हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको EKYC के लिए कंप्लीट EKYC पर क्लिक करना है। कंप्लीट EKYC पर जब क्लिक करेंगे तो प्रोसीजर वही रहेगा, OTP के लिए आप करेंगे, OTP आप करेंगे तो आधार नंबर अपना डालेंगे, आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल करेंगे, जनरेट OTP होगा,
उसके बाद में आपका ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि मिसमैच है, यानी कि जो आधार से डिटेल ली गई है और जो स्टेट अप्रूवल के लिए आपने जो डेटा अपलोड किया, यानी कि एप्लीकेशन ITI एप्लीकेशन डाटा जो आपका फॉर्म फिल किया गया था उसमें अगर मिसमैच है तो आपको क्या करना है। उसके बाद में आपके सामने ये कुछ डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ये प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है जो आपकी वहाँ पर दी गई थी, प्रोफाइल जो आपका प्रोफाइल फोटो है, डेट ऑफ बर्थ है और फादर नेम, और आधार की इन्फॉर्मेशन वो ये है। अब यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस है, डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर 11 जुलाई 2000 है और 7 नवंबर 2000 है, दोनों में डिफरेंस है, और फादर का नेम में भी डिफरेंस अगर हो रहा है तो यहाँ पर आप जैसे ही ओके क्लिक करते हैं तो ओके का मतलब क्या है कि आपका ऑटोमेटिकली डेटा जो है वो आधार इन्फॉर्मेशन के बेस पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आधार इन्फॉर्मेशन के बेस पर आपका डेटा जो है वो अपडेट हो जाएगा, और वहाँ पर जैसे ही अपडेट होता है तो आपका PRN नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाता है, आपकी इन्फॉर्मेशन मैच करती है, और इन्फॉर्मेशन मैच करते ही आपका जो PRN नंबर है वो जनरेट हो जाता है। इस तरीके से ये जो प्रोसीजर है, ये दो तीन प्रोसीजर हैं किस तरीके से आपको अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना है। एक बार फिर से ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इस पर फिर से ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे तो आपको जो लिंक प्रोवाइड अपने मैसेज या ईमेल पर जो मैसेज लिंक आया है SMS के थ्रू या मेल के थ्रू, उसी लिंक से ही ओपन करें। आई इंसिस्ट कि आप इस प्रोसीजर को ही फॉलो करें। अब बेचक कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट है बच्चों के दिमाग में रहते हैं, वो ये हैं कि कई बच्चों का आधार OTP नहीं जनरेट हो रहा है, तो वो सर्वर इशू हो सकता है, सर्वर इशू होने की वजह से OTP जनरेट नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप उसको फिर से लॉगिन करके देखेंगे, फिर से ट्राई करके देखेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर किसी वजह से अगर ये बता रहा है कि आपका आधार नंबर है वो एसोसिएट है किसी और के अकाउंट से, तो उस केस में भी आपको क्या करना है, अपना आधार नंबर जाकर आप अपडेट कराइए, किसी और के नंबर पर रजिस्टर्ड हो गया है, ठीक है, तो आप उसको अपना नंबर जो है वो चेंज करा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा और आप अच्छे तरीके से और सही तरीके से वेरिफिकेशन कर पाएंगे। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो अपने रेस्पेक्टिव ITIs में जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।